गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय ददाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। भगवान की विशेष कृपा से, गुरु महाराज की विशेष कृपा से हम लोग दशम अध्याय में, जो कि सर्वश्रेष्ठ ज्ञान के रूप में भगवान ने प्रस्तुत किया, प्रवेश कर चुके हैं। और भगवान की कृपा रूपी जो श्लोक देखा, 11वां श्लोक, कि भगवान ही अपने भक्तों के हृदय में सारे अंधकार को दूर करते हैं, ज्ञान दीपेन भास्वता। ये ज्ञान संसारी ज्ञान नहीं होता, ये परम ज्ञान होता है। संसारी ज्ञान तो ज्ञान कम अज्ञान ज्यादा होता है, आदमी अज्ञान को ही बढ़ाता है। संसारी ज्ञान को, जो कि संसारी दृष्टि से व्यक्ति प्रमाणित करता है, वो वकालत करके प्रमाणित करता है, जिसमें वकील लोग इस प्रकार का कार्य करते हैं। वकील मतलब वाक कीलति कीलयति इति वकील है। वाक माने अपनी शब्दों को, कीलयति मतलब कील दे, घाड़ दे, जैसे हम लोग दीवार में कील घाड़ देते हैं। तो बोले वकील किसको कहते हैं, जो अपने शब्दों को जैसे तैसे तर्क विधि के द्वारा कील दे सामने वाले व्यक्ति के सामने, तो बोले उसको वकील कहते हैं। अपनी ही बात ऊपर रखने वाली जो बात होती है उसे वकील कहते हैं। आजकल वकीलों की तादाद को ज्यादा ही बढ़ गई है, चाहे वो लॉ यूनिवर्सिटी से वकील वकालत करें या ना करें, हर व्यक्ति वकील पंडित बन गया है। उसमें मैं भी कम नहीं हूं, लेकिन लोग मेरे से भी आगे हैं। तो ये जो संसार में अपनी बात को मनवा लेना, ये कोई बहुत बड़ी महानता नहीं है, ये तो तार्किक लोग प्रायः ऐसा कार्य किया करते हैं। लेकिन जो गीता का ज्ञान है, जिस ज्ञान को भगवान हृदय में प्रकाशित करते हैं, ये ज्ञान भक्ति वाला ज्ञान है। इसमें वकालत खत्म हो जाती है, ज्ञान होते हुए भी वकालत खत्म हो जाती है। कैसी विचित्र बात है, व्यक्ति वकालत नहीं करता। जैसे जीव गोस्वामी इतने बड़े शास्त्रों के प्रकांड विद्वान थे, लेकिन उनके गुरु श्रील रूप गोस्वामी जब उनको साथ में रख करके वृंदावन में रह रहे थे, तो उसी समय वल्लभाचार्य आए और वल्लभाचार्य ने पूछा, अरे रूप, आप आजकल क्या लेखन कर रहे हैं? जीवों के कल्याण के लिए इस भक्ति के ज्ञान को आचार्य ने लिखा है, भक्ति को और विस्तार से एक्सप्लेन किया है। तो उन्होंने भक्ति से रसामृत सिंधु ग्रंथ को दिखा दिया, और भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ को जब उन्होंने खोल करके देखा, तो उसमें कहने लगे, अरे तुमने तो इसमें मुक्ति को पिशाची लिख दिया है। मुक्ति के लिए तो लोग इतना प्रयास करते हैं, हजारों जन्म लग जाते हैं, तब जाकर के कोई व्यक्ति मुक्ति को सफलता पूर्वक ग्रहण कर पाता है, इसमें तो तुमने पिशाची लिख दिया है, ये ठीक नहीं किया। तो रूप गोस्वामी ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया और बोले, हाँ मुझसे भूल हो गई, मैं इसे सुधार लूंगा। वो जाने लगे तो रास्ते में सामने से जीव गोस्वामी आ रहे थे, जो रूप गोस्वामी के शिष्य हैं। तो जीव गोस्वामी ने इस बात को सुन लिया था, आचार्य को प्रणाम किया और सामने तो कुछ नहीं बोले, लेकिन दूर जब रास्ते से गुजर रहे थे तब बोले, हाँ वास्तविकता तो ये है कि आप थोड़ा सा देखें तो उसमें पता चलेगा कि उसमें उन्होंने कोई गलती नहीं की। बोले, कैसे गलती नहीं की, उसमें तो मुक्ति को पिशाची कह दिया। बोले, मुक्ति को पिशाची नहीं कहा है, मुक्ति की स्पृहा को पिशाची कहा है। जैसे पिशाच पिशाचिनी अगर किसी के ऊपर चढ़ जाए तो उसका अपनी व्यक्तिगत सत्ता एक प्रकार से हीन हो जाती है, व्यक्तिगत सत्ता का अर्थ नहीं रहता, फिर वही बोलता है जो ऊपर चढ़ा हुआ भूत है। तो उन्होंने कहा, मुक्ति की इच्छा को पिशाची कहा है। ये देख करके वल्लभाचार्य को बड़ा भान हुआ, बोले मैं वही तो सोचो, रूप गोस्वामी महाप्रभु कितने बड़े कृपा पात्र हैं, वो ऐसा गलती कैसे कर सकते हैं? वापस जाकर के रूप गोस्वामी के चरणों में बोले, मुझसे भूल हो गई, आपका शिष्य तो बड़ा प्रकांड विद्वान है,
उसने तो मेरी आंखें खोल दी। जैसे ही इतना सुना रूप गोस्वामी ने, वल्लभाचार्य तो ऐसा बोल करके चले गए, लेकिन रूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी को बुला करके तुरंत कहा, तुम यहाँ से मेरी आंखों के सामने से चले जाओ। बोले, तुम यहाँ ब्रज में रहने के अधिकारी नहीं हो, तुम्हें यहाँ भक्ति मार्ग में रहने का कोई हक ही नहीं, जाओ यहाँ से चले जाओ। जीव गोस्वामी, जबकि जीव गोस्वामी का कोई गलती नहीं था, लेकिन बोले, तुम बहुत बखी पंडित बन गया, तुमने बहुत वकालत करना सीख लिया है, आचार्यों के साथ वकालत करता है, गलती ना होते हुए गलती को स्वीकार करने में जोर पड़ रहा था। तो बोली, ये ज्ञान है जहाँ पर इतनी बड़ी ऊंचाई की शिक्षा है कि आचार्यों के सामने, भक्तों के सामने हमारे अंदर गलती ना भी हो और वो कहें कि आपकी ये गलती है, तो उसे स्वीकार करना होता है। बोले, ये ज्ञान की बात है, ये विनम्रता है, इससे हमें आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। तो संसार में ऐसे व्यक्ति को मूर्ख कहा जाता है, लेकिन जीव गोस्वामी ने इस बात को स्वीकार कर लिया। जबकि जीव गोस्वामी जैसा कोई प्रकांड विद्वान इतिहासकारों ने लिखा है कि आज तक कोई नहीं हुआ, उन्होंने तो इतने सारे श्लोकों को लिख करके दे दिया, जो कि इवन वेद व्यास जी ने भी नहीं इतने श्लोक बनाए एक प्रकार से, जितने श्लोकों की रचना उन्होंने की है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं हम कि भगवान ये जो ज्ञान देते हैं, ये ज्ञान अलग है, जिसमें अनुकंपा का भाव रहता है। भगवान अनुकंपा से इस ज्ञान को प्रकट करते हैं, भगवान अनुकंपा से उस भक्त के हृदय में बैठ जाते हैं और बैठ करके उनके सारे संदेहों को, सारे संशयों का नाश कर देते हैं, जिन संशयों के कारण ही हमने संसार के सुखों को सुख समझ बैठा है। जैसे एक तम्बाकू खाने वाला व्यक्ति तम्बाकू को सुख का कारण मान लेता है, बीड़ी को सुख का कारण मान लेता है, शराब को सुख का कारण मान लेता है, और उसको संदेह होने लगता है कि दूध में सुख है क्या, उसको लगता है शराब में ही सुख है, दूध में सुख नहीं, घी में सुख नहीं, उसको तम्बाकू पिला दो, शराब पिला दो, बस उसमें वो बढ़िया रहता है, संतुष्ट रहता है। ऐसे ही संसार में, वास्तव में संसार के भोजन पानी में भी सुख नहीं है। जैसे पंजाब के लोगों को पराठा बहुत पसंद होता है, वो सोचते पराठे में ही सुख है, वो सोचते छोले कुलचे में ही सुख है। जैसे महाराष्ट्र के लोग हैं, उनको ठेसा में बहुत सुख नजर आता है, वो सोचते हरी मिर्च का बढ़िया सिंग दाने डाल करके ठेसा बनाया जाए, या सेव भाजी बनाई जाए, या पूरन पूड़ी बनाई जाए। ऐसी अलग अलग जगह के लोगों की धारणाएं अलग अलग चीजों में हैं। आप ठंडी लोगों की ओर चले जाए, वहाँ लोग सोचते मांसाहार में बड़ा सुख है, इन सब चीजों में तो सुख है ही नहीं। ये तो ऐसे ही सोच रहे हैं जैसे कोई नशेड़ी भंगेड़ी सोचता है कि भाई नशा करने में या भांग पीने में या शराब पीने में सुख है। अज्ञानता के कारण ऐसी धारणा बना करके बैठे रहते हैं। वास्तव में जो सुख है वो तो भगवत भक्ति में ही है, भगवत आराधना में ही है, लेकिन संदेह के कारण हम इस चीज को नहीं स्वीकार कर पाते, संशय के कारण नहीं स्वीकार कर पाते, जो कि अज्ञान से पैदा हुआ है। आप चौथे अध्याय का 42वां श्लोक जब देखेंगे, उसमें भगवान के तस्मात अज्ञान संभूतम, बोले ये अज्ञान से ही संभूतम पैदा हुआ है ये संशय। तो जब ज्ञान आ जाएगा तो ये सारे अज्ञान के कारण सारे निकल जाएंगे। रूप गोस्वामी की दया से जीव गोस्वामी के पास ऐसा ज्ञान था। आचार्य लोग ऐसा ज्ञान देते हैं जिसमें कि विनम्रता सिखाई जाती है, वकालत नहीं सिखाई जाती। तो ये जो दिव्य ज्ञान है, केवल और केवल भगवद्गीता के माध्यम से भगवान के इन ऐश्वर्यों को समझने से ही हम प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान ने इन 4 श्लोकों में विशेष बातें बताया और अपनी सत्ता को बताया। मत चित्ता मदगत प्राणम बोधयंता परस्परम कथयंत क्षमा नित्यम तुष्यंति चरम अंति च। आप इन इन्हें श्लोकों को अच्छी तरह से याद किया होगा। तेषां सतत युक्तानां भजतां पूर्ण प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगंतम ये न माम उपयान्ति ते, वो मेरी प्राप्ति कर लेता है। भगवान की अनुकंपा के कारण भगवान उसके हृदय में जाकर के बैठ जाते हैं और ज्ञान देते हैं। कई बार तो इतना बड़ा भक्त के हृदय में ज्ञान प्रकाशित हो जाता है कि वो भगवान से ही टक्कर लेने लग जाता है। एक भक्त हुए जिनका नाम श्रीदास था। तो श्रीदास जी और ऊंची अवस्था के भक्त थे, एक प्रकार से भगवान के ही भक्त नहीं थे, वो भगवान के भक्तों के भक्त थे। भगवान के भक्त, भगवान कहते हैं कि जो मेरा भक्त है, बोले उसमें गारंटी नहीं है कि वो मेरा भक्त है कि नहीं है, लेकिन जो मेरे भक्तों का भक्त है, बोले उसमें गारंटी है कि वो मेरा भक्त है।
मतलब भगवान का मात्र भक्त होने से थोड़ा कच्चा पक्का माना जाएगा उसको, लेकिन भगवान के भक्तों का जो भक्त बन जाता है, भगवान कर वो मेरा पक्का भक्त है। ये कैसी वैचित्री है। इस घटना से हम थोड़ा सा सीख सकते हैं कि श्रीदास जी भगवान की आराधना करते थे और भगवान ऐसे भक्तों से सेवा लेते हैं। जैसे माधवेंद्रपुरी थे, जब वो गिरिराज जी में परिक्रमा लगाने के लिए आए तो माधवेंद्रपुरी के सपने में भगवान आते हैं, बोले मैं यहाँ कितने समय से खड़ा हुआ हूँ, मैं तुम्हारी इंतजार कर रहा था, तुम कब आओगे, मुझे तुमसे सेवा लेनी, मेरी सेवा करो, मुझे यहाँ बहुत गर्मी हो रही है। तो भगवान हाथ पकड़ करके उनको लेकर के, उंगली पकड़ करके लेकर के, मैं यहाँ पर बहुत समय से पड़ा हुआ हूँ, क्योंकि हमारे देश पर बहुत लंबे समय से आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया और इस सनातन धर्म को नष्ट करने का, इस ज्ञान को ही नष्ट करने का उन्होंने पूरा प्रयास किया। आपको पता हो सिकंदर ने हमारे देश पर आक्रमण किया था, वो भी ईस्वी से 300 वर्ष पूर्व। अभी जो ईस्वी चल रहा है, जो ईस्वी सन चल रहा है, जिसे हम कैलेंडर के रूप में देख पा रहे हैं, जैसे 2024 चल रहा है, तो 2024 से 300 वर्ष पहले, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि 2000 वर्ष से ही हमारा जो काल की गणना आरंभ हुई, बोले नहीं, 2024 से तो हमारा ये नया कैलेंडर आया, उससे पहले अलग कैलेंडर था। 300 वर्ष पूर्व मतलब समझ लो 2500 वर्ष पहले सिकंदर का आक्रमण हुआ था, और सिकंदर के आक्रमण से चाणक्य जी ने चंद्रगुप्त के माध्यम से बचवाया था। चाणक्य पंडित आए और उन्होंने सिकंदर को भगा दिया यहाँ से। उसने भी हमारी संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन जिनका वर्णन भागवत में भी आता है चाणक्य पंडित का, उन्होंने उस सिकंदर को अपनी नीति से भगाया। लेकिन भागते भागते वो पीछे सेल्यूकस को छोड़ करके गया था, लेकिन चंद्रगुप्त को इतना शक्तिशाली बना दिया था कि उन्होंने सेल्यूकस की बेटी से ही विवाह कर लिया और फिर सारा शासन सारे संसार पर, विशेष रूप से भारतवर्ष पर, चंद्रगुप्त का काफी लंबे समय तक चला। उसके पश्चात आगे चल करके काफी समय चला, उसके पश्चात गुलाम वंश आ गया। गुलाम वंश में हूण आए उससे पहले, तो उन्होंने बहुत संसार में भारतवर्ष में शासन किया, उन्होंने भी सनातन संस्कृति को नष्ट करने की चेष्टा की। उसके बाद गुलाम वंश आया, उसके बाद खिलजी आ गया, खिलजी के बाद तुगलक वंश आ गया, उसके बाद सैयद वंश आ गया, ऐसे फिर लास्ट में चल करके मुगल लोग आए। फिर मुगल वंश ने बहुत समय तक 700-800 वर्षों तक इन लोगों ने भी शासन किया। उसके बाद फिर अंग्रेज आए, अंग्रेजों के शासन काल में पुर्तगीज भी आए, उन्होंने भी लंबा शासन किया। लेकिन इतने शासन करने के पश्चात भी बोले इस सनातन संस्कृति को कोई तोड़ नहीं पाया, इस सनातन धर्म के ज्ञान को कोई तोड़ नहीं पाया। प्राय संसार में लोग भूल जाते हैं, भटक जाते हैं, हमारी संस्कृति में भक्तों की महिमा सदा बनी रही, भगवान की महिमा सदा बनी रही। प्रभुपाद जी ने आकर के उन अंग्रेजों को ही उल्टा ये ज्ञान सिखा दिया। तो ये बड़े भक्त सेवी थे। एक भक्त जिनका मैं वर्णन कर रहा था, श्रीदास जी, श्रीदास जी भगवान की भी आराधना करते थे और भगवान के भक्तों की भी आराधना करते थे। जब कोई भक्तों की आराधना करता है तो भक्त उसके पास रहना चाहते हैं, जब कोई भक्त भक्तों से घृणा करता है, द्वेष करता है, तू तू मैं करता है, तो उसके पास कोई नहीं रहना चाहता, जैसे मेरे साथ कोई नहीं रहना चाहता, क्योंकि वो जानते हैं कि ये केवल और केवल अपना काम बनाता है, अपनी सेवा चाकरी कराता है, बाकी भक्तों से प्रेम नहीं करता, इसलिए कोई रहना ही पसंद नहीं करता, सब भाग जाते हैं। आज बड़े दिनों के बाद हमारे उत्तम मोहन प्रभु आए हैं और उन्होंने मेरे ऊपर कृपा किया। दया करते भक्त लोग भी, मेरे किन्हीं कारणों से लोग चले जाते हैं, मेरे को छोड़ छोड़ करके फिर आ जाते हैं दया करने के लिए, बोले ये तो है मूर्ख, लेकिन क्या करेंगे, कैसे भी करके हमारे बिना इनका चलेगा भी नहीं कुछ, आ जाते हैं। तो भक्तों के पास ही भक्त आना चाहते हैं, तो श्रीदास जी थे। और कई बार हम लोग सोचते हैं ना, हमारे पास कोई क्यों नहीं टिकता, अरे तुम भक्त हो ही नहीं, भक्तों से प्रेम ही नहीं करते। श्रीदास जी के पास बड़े सारे भक्त आते थे, और क्या होता था,
कीर्तन होता था, कथा होती थी, लंबी लंबी कथाएं कीर्तन, इतना कथा कीर्तन। इसके साथ साथ वो ऐसा नहीं था कि भगवान की सेवा छोड़ देते थे, भगवान की सेवा चाकरी भी करते थे। बड़े भाव से भगवान को भोग लगाना, भगवान को सुलाना, भगवान को उठाना, भगवान का ड्यूटी वर्शिप, श्रृंगार आदि करना, सब सेवाएं करते थे। मंदिर का साफ सफाई करना सब कुछ करते थे। लेकिन जब इतना कीर्तन प्रीति के साथ आगे बढ़ा और कथा आगे बढ़ी, तो शाम को भगवान को सुलाना ही भूल गए, भगवान को पानी रखना भूल गए, भगवान को लड्डू रखना भूल गए, भगवान की सेवा ही करना भूल गए, और सो गए खुद भी कीर्तन में ही। हम लोग तो बढ़िया बेड फेड सजा करके सोते हैं, वो कीर्तन में कीर्तन चल रहा था, तो वहीं लेट गए। वहीं लेट गए तो कानों में कीर्तन की धुन तो जा रही थी, अखंड कीर्तन चल रहा था, तो सुबह अचानक से उठे और सोचे चलो चलो अब जब भगवान के दर्शन को, उनको लगा कि मैंने सुना दिया होगा भगवान को। जा करके पहुंचे, दरवाजा वो बाहर से खोल करके अंदर धकेलने लगे तो दरवाजा खुल ही नहीं रहा है। सोच में पड़ गए, दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है, कोई अंदर चोर घुस गया, क्या दिक्कत है भाई, खूब धक्का मार रहे हैं, दरवाजा ही नहीं खुल रहा है। परेशान हो गए, आकाशवाणी हुई। सोच में पड़ते भगवान ने आकाशवाणी करके बोला, बोले अब ये दरवाजा नहीं खुलेगा, इतना भी धक्का मार लो। अब सोच रहे हैं कि दरवाजा, बोले मैं कृष्ण बोल रहा हूँ। बोले प्रभु क्या गलती हुई, बोले गलती क्या हुई, तुमने रात को सुलाया नहीं, कितनी ठंडी पड़ रही, होश है, रात भर में खड़ा रहा, अभी भी खड़ा हूं। कई बार संसारी लोग सोचते हैं ना कि भगवान को सुलाना खिलाना, भगवान के साथ ऐसा आदान प्रदान करने की आवश्यकता क्या, क्या भगवान सेवा लेते हैं? बोले हाँ, भगवान एक बच्चे की तरह सेवा लेते हैं, भगवान खुद इतना समर्पण कर देते हैं कि वो रजाई भी पकड़ करके खुद से ओढ़ नहीं सकते, जबकि उनके कमरे में वो दरवाजा बंद कर सकते हैं लेकिन रजाई उठा करके नहीं ओढ़ सकते। बोले रात भर में प्यासा रहा, तुमने मेरे को पानी का भोग नहीं लगाया, रात भर में ठंडी में रहा, तुमने मेरे को रजाई नहीं उड़ाई, और अभी तक मैं खड़ा ही हूँ क्योंकि तुमने मेरे को उठा करके सुलाया नहीं, मेरे सारी रात खड़े खड़े परेशान हो गया, अब दरवाजा नहीं, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी सेवा, अब ये दरवाजा सदा बंद रहेगा। अब देखो ऐसी स्थिति में अब एक भक्त क्या करेगा, उसके हृदय में अब क्या ज्ञान कहाँ से आएगा, जब भगवान ही कह रहे हैं तुमसे ऐसी भूल हो गई। लेकिन श्रीदास को कोई डर नहीं लगा, अंदर से डरे नहीं, देखो भगवान कह रहे हैं जाओ और इनको कोई डर भय नहीं हो रहा है, तो कह रहे हैं प्रभु मैंने कोई जानबूझ करके थोड़ी ना आपके साथ ऐसा व्यवहार किया कि मैं जानबूझ करके आपको सुलाने नहीं आया, या जानबूझ करके मैं आपको उड़ाने नहीं आ पाया, या जानबूझ करके मैं आपको पानी नहीं रख पाया, या जानबूझ करके मैं आपको बंटा भोग में लड्डू भड्डू भोग लगाने के लिए रख के नहीं आ पाया, क्योंकि भगवान इतने निर्भर हो जाते हैं और भक्त भी इतना प्रेम करता है कि भक्त तो सोचता है शायद रात को भगवान को भूख न लग जाए, इसलिए रात को भी कुछ लड्डू वगैरह ला करके वो भगवान को सुलाते समय रख देता है। बोले मैंने ऐसा जानबूझ करके थोड़ी किया, आपके इस भक्त लोग आए हुए थे, मैं तो भक्त लोगों के साथ में कीर्तन में डूब गया, मेरे को पता ही नहीं चला। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मैंने गलती किया है तो बोले मेरे से गलती हो गई, मैं स्वीकार करता हूँ, आपको नहीं खोलना है तो मत खोलो, मैं तो भक्तों के लिए ऐसा किया, भक्त लोगों की प्रसन्नता के लिए मैंने सब कार्य किया। तो जैसे ही ये सुना कि आपको नहीं खोलना है तो मत खोलो, अब देखो भक्त के प्रति भगवान कितना प्रीति रखते हैं और भगवान खुद की भी चिंता करते, बोले ये तो भक्तों से अपना काम बना लेगा, इसको मेरी तो अब जरूरत ही नहीं, सीधा घोषणा कर दिया इसने, खोलना है तो खोलो, नहीं खोलना है तो मत खोलो। भगवान को अपनी भी चिंता हो गई और भक्तों से प्रेम को भी भगवान ने देखा, पड़ाक से एकदम से दरवाजे खोल दिए और दरवाजे को चलो ठीक है कोई बात नहीं। बोले हम बड़े प्रसन्न हुए तुम्हारी इस बात को सुन करके कि तुम्हारा भक्तों से कितना प्रेम। बोले ये टॉप मोस्ट नॉलेज है, देखो भगवान का भक्त कितना भगवान की अनुकंपा से अनुग्रहित हो जाता है, भगवान किस प्रकार से हृदय में बैठ करके ऐसी उनको शिक्षा दे रहे हैं कि तुम ऐसा बोलो, भगवान को ही ज्ञान सिखा रहे हैं। देखो बोले मैंने कोई गलती नहीं की, आपको ऐसा लगता है तो मानो, आप खड़े थे तो मैं क्या करता, मैंने तो भक्तों की ओर ध्यान दिया और आपने शास्त्रों में ऐसा ही बताया है, तो भगवान अपने आप को झुका लेते हैं, ये भक्ति की शिक्षा है, ये भगवान का ऐश्वर्य है। लेकिन संसार में बड़े बड़े गीता के लेखक हो गए,
लेकिन गीता के लेखक होने के पश्चात भी जिनके नाम से गीता जाने जाने लगी एक प्रकार से, कि भाई ये गीता की कमेंट्री इन्होंने की, ये इनकी वाली गीता है, ये इनकी वाली गीता है, जैसे हम लोग कहते हैं ना प्रभुपाद जी की गीता, लेकिन प्रभुपाद जी ने गीता को अपना नाम नहीं दिया, प्रभुपाद जी ने गीता को रखा भगवत गीता, यथारूप जैसा भगवान ने कहा बिल्कुल वैसा मैं दे रहा हूँ। बाकी लोगों ने अपनी अपनी, जैसे दयानंद सरस्वती जी ने एक अपनी निराकारवाद वाली गीता दे दी, जैसे हमारे पहले जो राष्ट्रपति थे राधा कृष्णन, उन्होंने भी एक गीता दे दी। तो इन सब ने अपनी अपनी गीताएं दे दी, और अपनी अपनी गीताओं को देख करके लोगों ने उनको पढ़ना चालू किया। तो उसमें क्या दिखाया, बोले जो ब्रज वाले कृष्ण हैं, जो भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं, जो भगवान भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं, जैसे ब्रज लीलाएं कर रहे हैं भगवान, जिसमें कि भगवान नाच रहे हैं, थोड़े से छाछ के ऊपर भगवान नाच रहे हैं, केशी नामक आदि दैत्य आदि का वृंदावन में वृंदावन वासियों के लिए भक्तों के लिए भगवान वध कर रहे हैं, इन सब लीलाओं, बोले ये वो कृष्ण नहीं है। लोगों ने अपना ही ऐसा मत दे दिया कि कृष्ण की बातों को तो स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण की सत्ता को ही हटा दिया। जिन्होंने निराकारवाद पर फोकस किया उन्होंने कृष्ण को ही नहीं माना। लोग कहते ये कौन सी गीता, बोले शिव बाबा ने दी हुई गीता, ये शिव बाबा की गीता है। कृष्ण तो बोले थोड़ी समय के लिए ऐसे ही कोई रोल था, बोले उन्होंने रोल निभाने के लिए इस प्रकार से देख दिया। तो लोग कृष्ण को भी नहीं मानते, कैसी लोगों की धारणा है, क्योंकि वो लोग ज्ञान से वास्तव में वंचित हैं। और लोग उधेड़ बुन में लग जाते हैं, उधेड़ बुन में, अच्छा कृष्ण तो अभी आए, अर्जुन तो अभी आए, इससे पहले तो ये ज्ञान था ही नहीं, इससे पहले फिर ज्ञान कैसे आ गया, फिर इतना परंपरा से आ रहा है, इतनी लंबी अवधि है। बोले अलग अलग आचार्यों के कालखंड को निकालते हैं कि ये आचार्य तो उस समय आए, उससे क्या उससे पहले ये ज्ञान था ही नहीं क्या, ऐसा नहीं होता। वास्तव में ये जितने भी आचार्य होते हैं ये निर्माता नहीं है इन श्लोकों के, इस ज्ञान के, ये ज्ञान तो अपौरुषेय है जो अनादि काल से चला आ रहा है। अब कोई कहे अच्छा भगवत गीता तो द्वापर युग में सुनाया, अच्छा द्वापर युग में सुनाया तो द्वापर युग के बाद ये गीता सामने आई, क्या उससे पहले ये गीता थी नहीं, क्या भगवान का ऐश्वर्य उससे पहले किसी को पता नहीं था, क्या भगवान नहीं थे? बोले तो ऐसा नहीं, ये जितने भी आचार्य हुए ये सभी निर्माता नहीं हुए। जैसे शंकर जी ने पार्वती को सुनाई, जैसे भगवान ने काकभूषण जी के साथ वार्तालाप हुआ, तो इस प्रकार से जैसे मैत्रेय ऋषि ने विदुर जी को सुनाया, तो हम इसको कालखंड के आधार पर देखते, अच्छा ये श्लोक तो उन्होंने बनाया था, ये श्लोक तो उन्होंने बनाया था, ये श्लोक बनाए नहीं जाते, ये इन श्लोकों के दृष्टा होते हैं, निर्माता नहीं होते। आचार्य लोग इन श्लोकों को देखते हैं और देख करके अपने शब्दों में इन श्लोकों की व्याख्या कर देते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि ये सब श्लोक, ये सब महिमा भगवान की अभी पैदा हुई उससे पहले नहीं थी, भगवान सदा रहते हैं, भगवान की महिमा भी सदा रहती है, भगवान के भक्तों की भी महिमा सदा रहती है, लेकिन संसार में हम लोगों को पता नहीं चलता इस चीज का। तो जब भगवान बताते हैं कृपा करके और हम भगवान की अनुकंपा से अनुग्रहित हो जाते हैं, जब भगवान हृदय में आरूढ़ होते हैं, और हृदय में आरूढ़ याद रखें हम सेवा से होते हैं, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में इन श्लोकों को ध्यान में रखते हुए धारणा बना करके सेवा में लगता है, जैसे श्रीदास जी की सेवा का मैं वर्णन कर रहा था, तो भगवान इतनी अनुकंपा कर देते, इतनी अनुकंपा कर देते कि स्वयं ही पराजित हो जाते हैं और दरवाजा खोल देते हैं। देखो कैसी अनुकंपा की पराकाष्ठा है, अपने भक्तों की महिमा को इतना बड़ा बना देते हैं, स्वयं इतने छोटे बन जाते हैं कि स्वयं हृदय में बैठ करके जवाब दे रहे हैं एक प्रकार से कि तुम ऐसा बोलो, अन्यथा भगवान कहते हैं पहले ही, भगवान ने कहा मेरे से बुद्धि आती है, मेरे से भूलने की शक्ति आती है, सब कुछ तो मेरे से ही आता है, भगवान खुद छोटे बन गए। तो अर्जुन ने जब इन श्लोकों को सुना तो अर्जुन ने भगवान की इस बात को स्वीकार कर लिया, और क्या कहते हैं अर्जुन उवाच, जैसे समस्त आचार्यों ने माना ऐसे अर्जुन ने भी माना। 12वें 13वें श्लोक में भगवान के बारे में कह रहे हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहुस्त्वाम ऋषय सर्वे
बोले ऐसा मैं ही नहीं कह रहा हूँ, सब ऋषियों ने ऐसा कहा है जो हम आपको बता रहे थे। देव ऋषि नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीष्मि। भगवान के बारे में अर्जुन कह रहे परम ब्रह्म, आप परम ब्रह्म है, आप परम भगवान है, ब्रह्म मतलब भगवान। तो कौन से भगवान है? बोले ब्रह्म मात्र नहीं है आप, भगवान ही नहीं है, भगवानों के भी भगवान है, आप परम भगवान है। और आप कैसे? बोले आप परम धाम है, अर्थात धाम मतलब आश्रय, आप सबकी शरण है। परमम पवित्र, आप पवित्रता की पराकाष्ठा है। और आप कौन है? बोले आप सत्यों में भी सबसे बड़े सत्य हैं, आप परम सत्य हैं। समस्त अवतार जितने भी भगवान के हुए हैं वो सब सत्य हैं, लेकिन कृष्ण अवतार बोले ये परम सत्य है। हमारी संस्कृति इसको अभी भी भारतवर्ष में देखा जाता है, जबकि नष्ट तो किया गया, लोगों ने भगवान राम की सत्ता को मानने से इनकार कर दिया। संसार में आप देखेंगे भगवान कृष्ण की सत्ता को साकार रूप में नहीं मानते, ज्यादातर देश भगवान राम कृष्ण को मानते ही नहीं, वो निराकार रूप में ही भगवान की ईश्वर की सत्ता को मानते हैं। लेकिन हमारा देश इतने आक्रमण होने के पश्चात भी अभी भी रामलीलाएं होती हैं, जब भी दशहरा आता है, जब भी जन्माष्टमी आती है तो कृष्ण लीलाएं होती हैं, रासलीला आदि आप वृंदावन में कभी भी आकर के देख सकते हैं, भगवान की उन लीलाओं को दर्शाया जाता है। क्यों? हमारे देश में भक्ति है, भक्ति की दया से भगवान लोगों के हृदय में इस ज्ञान को अनुकंपा करते हुए बचा के रखते हैं। वकीलों की वकालत नहीं चलती, अंदर भावना सबकी बनी रहती, बस हमें भक्तों के सानिध्य में रह करके इस भावना को और विकसित करना है। और हम तो ऐसे सौभाग्यशाली हैं कि अभी हमारे सामने ऐसे तो शासन करने वाले शासक नहीं, अभी तो मोदी जी जैसे शासक हैं, और ऊपर से प्रभुपा जी जैसे संत हैं जो हर चीज को बड़ा क्रिस्टल क्लियर वे में हम सबको समझाते हैं। तो भगवान के बारे में यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं आप नित्य दिव्य आदि पुरुष अजन्मा तथा महानतम है, जो भगवान ने पहले घोषणा किया, जो मेरे को ऐसा मानेगा, बोले इस मृत्यु के जगत में रहते हुए भी, मर्त्येषु, बोले इस मृत्यु के जगत में रहते हुए भी वो सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। अर्जुन मान रहे, बोले मैं ही नहीं मान रहा हूं, नारद असित देवल तथा व्यास जैसे ऋषि। मूर्ख लोग हम काल को लेकर के झगड़ा करते हैं, बोले नारद जी तो तब पैदा हुए, उससे पहले तो दासी पुत्र थे, वो तो इस युग में आए, उससे पहले क्या भगवान की सत्ता को कैसे माना जाता था? बोले इन सभी आचार्यों ने इस पर कमेंट्री की है, कमेंट्री की है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि ये श्लोक थे नहीं, ये ज्ञान था नहीं। जैसे प्रभुपा जी ने इस गीता पर कॉमेंट्री किया तो ये प्रभुपा जी की गीता, ऐसा नहीं हो गया कि प्रभुपा जी इससे पहले गीता की सत्ता नहीं थी, प्रभुपा जी ने अपनी भाषा में और एक्सप्लेन किया है। इसलिए समस्त आचार्य निर्माता नहीं हुए, समस्त आचार्य दृष्टा हुए, जिन्होंने इन श्लोकों को देख करके सहज भाषा में हम सबको सिखाया। तो बोले ऐसा मैंने नहीं कहा, नारद जी ने ऐसा कहा है, असित ऋषि ने ऐसा कहा है, देवल ऋषि ने कहा है, तथा व्यास जैसे ऋषि आपके सत्य की पुष्टि करते हैं, और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कर रहे हैं। ऊपर से प्रमाणों में अगर देखा जाए तो इतने प्रमाण तो उन्होंने दिए ही दिए, लेकिन बोले भगवान से बढ़कर और प्रमाण क्या हो सकता है? तो बोले भगवान आप भी इस बात को मेरे सामने प्रकट कर दे, क्या कह रहे हैं? सर्वमेतत् कृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव, नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर देवा न दानवः। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। देखो एक भक्ति ही भगवान के स्वरूप को समझ सकता है, देवता लोग भी नहीं समझ सकते। हम सोचें देवताओं की बुद्धि से हम समझ पाएंगे, नहीं, ऊपर के लोकों में जो जाने वाले लोग हैं वो देवता बुद्धि धारण करते हैं, नीचे के लोकों की ओर जाने वाले जो लोग होते हैं असुर बुद्धि के होते हैं, एक प्रकार से जो कि ग्रॉस लेवल पर रमण करते हैं। आशु मतलब इंद्रियां, आशु मतलब शीघ्र, र मतलब रमन, जो अपनी इंद्रियों में रमन करता है उसे असुर कहते हैं, जबकि इंद्रियों से ऊपर मन है, मन से ऊपर बुद्धि है। तो ऊपर की ओर चलते चले जाएंगे तो सूक्ष्म सुख है, नीचे की ओर चलते चले जाएंगे तो स्थूल सुख है, स्थूल मतलब ग्रॉस, सूक्ष्म मतलब सटल।
तो जो सतोगुणी लोग होते हैं, जो देवताओं के जैसे व्यवहार करते हैं, बोले वो ऊपर के लोकों में जाते हैं। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थ मध्ये तिष्ठन्ति राजसा। इस संसार में जो लोग रहते हैं वो लोग पर विशेष रूप से बोले हम ज्यादातर रजोगुणी लोग होते हैं, जिनके जीवन में थोड़े सूक्ष्म सुख भी होते हैं और थोड़े स्थूल सुख भी होते हैं, लेकिन देखा जाए तो सूक्ष्म सुख की सत्ता कहीं अधिक है स्थूल सुख की अपेक्षा। जैसे स्थूल सुख है कि हम कोई समोसा खा रहे और अचानक से फोन आ जाए कि तुम्हारे घर में इस प्रकार से एक मौत हो गई है, तो मेंटली हम डिस्टर्ब हो जाएंगे, हमारा समोसे का सुख हमें अनुभूति में नहीं आएगा। तो जो सूक्ष्म सुख है वो हायर माना गया स्थूल सुख की कंपैरिजन में। तो नीचे स्थूल सुख अधिक मिलते हैं, जैसे अतल वितल तलातल सुतल आदि जो लोग हैं। ऊपर के जो लोग हैं, जिनमें कि भूवर लोग, स्वर्ग लोग, जन लोग, महर लोग, तप लोग, सत्य लोग, ये जो ऊपर के लोग हैं, इसमें सूक्ष्म सुख मिलता है। बोले भगवत सुख इन लोगों को किसी को नहीं मिलता, न तो नीचे वाले लोगों को जो तमोगुणी अधिक पाए जाते हैं। अधो गच्छन्ति तामसा मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जो बीच में रहते हैं वो राजसी लोग होते हैं, ऊपर जो रहते हैं वो सतोगुणी लोग होते हैं। तो बोले न देवताओं को मिलते हैं, न असुरों को मिलते हैं, ये सुख तो केवल और केवल भगवत भक्तों को प्राप्त हो सकता है। इसलिए अर्जुन ने घोषणा कर दिया, सर्वम एतम अर्हतम मन्ने, बोले इसको मैं सत्य रूप में स्वीकार करता हूँ। यन्माम वदसि केशव, आपने जो भी केशव मेरे को बताया, नहीं ते भगवत व्यक्तिम विदुर देवा न दानवः, आप भगवान के रूप में सत्ता रखते हैं, आपके स्वरूप को बोले इस बात को देवता भी नहीं समझ सकते, असुर भी नहीं समझ सकते, तो हम मनुष्यों की क्या चलाई। असुर लोग ज्यादा डूबे रहते हैं नीचे के ग्रह सुख में, देवता लोग सूक्ष्म सुख में डूबे रहते हैं, हम लोग सूक्ष्म और ग्रह दोनों में डूबे रहते हैं। हमें अगर बाहर आकर के भगवान के स्वरूप को समझना है तो हमें किसी भी हालत में भक्त बनना पड़ेगा, और भक्त बनने पर ही हम अपने आप इन बातों को समझ पाएंगे। उसके लिए हमें तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण इन तीनों से ऊपर उठना पड़ेगा, और भगवत भक्ति ऐसी शक्तिशाली वस्तु है जो एकदम से उठा देती, एकदम से उठा देती। भगवान आगे यहाँ पर अर्जुन भगवान के बारे में बता रहे हैं, स्वयं एवाप आत्मा आत्मना आत्मानं वेत्थं त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव। कई बार लोग शंकर भगवान को देवादि देव मानते, बोले नहीं, देवानाम अच्युतो यथा, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंग शक्ति से जानने वाले हैं। भगवान अपनी शक्ति से स्वयं को, अंतरंग शक्ति कौन है, बोले राधा रानी। अंतरंग शक्ति कौन है, बोले राधा रानी की ही जो स्वरूप शक्ति, जो भक्ति देवी है, राधा रानी के ही सदृश है, उन्हीं को भक्ति माता भी कहा जाता है। बोले उन्हीं के द्वारा भगवान स्वयं को जानते हैं, उन्हीं के द्वारा भगवान अपने भक्तों को स्वयं को जानते हैं। अभी हम लोग संसारी दृष्टि से जानने की चेष्टा करते हैं, संसारी दृष्टि से नहीं जान सकते। भक्ति मतलब सेवा, सेवा के माध्यम से हम भगवान को जान सकते। आगे भगवान कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं, वक्तुम अर्हस्य अशेषेण दिव्या हाथ ही आत्म विभूतय या भीर विभूति भीर लोकान मांस्त्वम व्याप्य तिष्ठसि। कृपा करके आप विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। भगवान से प्रार्थना करें, कथम विद्याम अहम योगी स्वाम सदा परिचिंतयन केशु केशु च भावेशु चिंत्यो असि भगवन मया। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। अब यहाँ से आगे भगवान से जब उन्होंने विस्तार पूर्वक जानने की चेष्टा किया, विस्तरे इन आत्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि श्रण्वन्तो नास्ते मे अमृतम। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें, मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतने ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ।
अब देखो कितनी बड़ी विश्वास की बात है अर्जुन के हृदय में कि अर्जुन ने इस बात को बोला कि आपका एक एक अक्षर सत्य है, और हमारे अंदर ही विश्वास पैदा ही नहीं होता। जैसे गुरु महाराज कई बार प्रवचन देते हैं तो कहते हैं शास्त्र का एक एक अक्षर अक्षर सत्य है, लेकिन क्या इस बात को हम विश्वास कर पाते हैं? जब ऐसा विश्वास ही नहीं है। अब जैसे श्लोक तो यहाँ बोले जा रहे हैं, अर्जुन के द्वारा बोले गए कुछ श्लोक, मैक्सिमम श्लोक भगवान के द्वारा बोले गए, तो हमें ऐसी फीलिंग होती है क्या कि ये साक्षात भगवान के शब्द हैं, साक्षात भगवान बोल रहे हैं? जैसे अर्जुन को फीलिंग हो रही है कि ऊपर से आपने बोला है इन बातों को, ऋषियों ने तो बोला ही बोला है, महान महान ऋषियों ने, ऊपर से साक्षात आप बोल रहे हैं, तो फिर और प्रमाण खोजने की आवश्यकता क्या रह गई? हाँ, ये सृष्टि तो आप ही की है, आपकी सृष्टि में आप ही तो मैनुअल देने का वास्तव में हक रखते हैं, बाकी लोग तो इस मैनुअल को आगे फॉरवर्ड करने का हक प्राप्त करते हैं, इसको पोस्टमैन की तरह आगे देने का प्रयास करते हैं। जो प्रभुपाद जी ने वर्णन किया अपने जीवन के बारे में, बोले मैं तो एकमात्र पोस्टमैन की तरह कार्य किया हूँ, मेरी यही विशेषता है कि मैंने इसमें से कुछ निकाला नहीं है और कुछ मैंने इसमें डाला नहीं है। तो भगवान को उन्होंने कितनी प्रमाणिकता के साथ पेश किया, भगवान को कितना बड़ा प्रमाण के साथ उन्होंने स्वयं के जीवन में माना। जैसे अर्जुन यहाँ मान रहे हैं, क्या हम लोग मान पाते हैं? हम लोग नहीं मान पाते। जब नहीं मान पाते तो ये सारे श्लोक, ये सारी बातें हमें बोरिंग लगती हैं। हम दुनिया भर की संसार की पोइम्स वगैरह बच्चों को रटाएंगे, खुद भी रट करके बैठ जाएंगे, लेकिन इन श्लोकों को याद करने में ऐसा लगता है अरे यार ये बोझ कहाँ से आ गया। हमें ये बोझ बन जाता है हमारे जीवन में, इसको बोझ नहीं बनाना है हमें इन आचार्यों की। जैसे अक्षर अक्षर कृष्ण का एक एक उनको इतना प्रिय होता है कि बिल्कुल सत्य है, और ऐसी प्यास अंदर जागृत हो जाती है कि बोले रात दिन में इसी को सुनना चाहता, जबकि भगवान ने अपने ऐश्वर्यों को बताया है। अर्जुन कह रहे और विस्तार से बताओ, और वहाँ युद्ध का समय है, युद्ध के समय में संक्षेप में बताई जा रही चीज। कई बार हम लोग कहते हैं टाइम किसके पास है, बोले गीता पकड़ा दो किसी व्यक्ति को, छोटी सी गीता मात्र जिसमें 700 श्लोक हैं, बाकी जो ग्रंथ है उनमें तो लाखों लाखों श्लोक है, हजारों की मात्रा में भागवतम में 18,000 श्लोक है, वो पकड़ाओगे तो कैसे कोई व्यक्ति ले पाएगा? बोले इसमें तो मात्र 700 श्लोक है, वो किसी को पकड़ाते तो बोले कहाँ पढ़ने का समय है, पढ़ना तो दूर की बात है, बोले मरने का भी समय नहीं है। यहाँ युद्ध के समय में अर्जुन खड़े हैं और उनको भगवान ने अपना ऐश्वर्य संक्षेप में बताया, और अर्जुन कह रहे हैं बोले ये तो अमृत है, इससे मेरी प्यास ही नहीं बुझती। जो दशा परीक्षित महाराज की थी, जो दशा विदुर जी की थी कि सारी रात निकल गई उद्धव जी से कथा सुनते सुनते, फिर भी अंदर से तृप्ति नहीं हो रही, बोले सारा विस्तार से बताओ ना। तो उद्धव जी कहते भैया विस्तार से तुम्हारे लिए भगवान ने मैत्रेय ऋषि को आदेश दिया है, तुम एक काम करो मैत्रेय ऋषि के पास चले जाओ। यमुना तट पर उन्होंने उद्धव जी से बातचीत किया और सारी रात सुनते सुनते रोते रोते निकल गई भगवत चर्चा को। उसके बाद गंगा जी के तट पर हरिद्वार की ओर पहुंचे और वहां जाकर के उन्होंने मैत्रेय ऋषि से कथा सुना। तृप्ति लाभ नहीं होती भक्तों के अंदर, अभी हम भक्त बने नहीं हैं, हमें इन बातों पर विश्वास ही नहीं है। बोले इन बातों पर विश्वास करके हमें अपनी भक्ति को जागृत करना पड़ेगा, और जैसे ही जागृत करेंगे धीरे 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 धीरे, अभी चुटकी बजाने से ऐसा नहीं हो जाएगा कि हम चुटकी बजा करके एकदम से इन बातों को सीख लें, धीरे धीरे हम सीख पाएंगे। हमें विश्वास जिस मात्रा में होगा उसी मात्रा में हमारे अंदर रुचि होगी, विश्वास नहीं होगा हमारे अंदर रुचि नहीं होगी। कैसे विश्वास आता है? बोले सुनने से ही आता है, और कोई उपाय नहीं। कहाँ अर्जुन अलग प्रश्न कर रहे थे शुरुआत में, मैं युद्ध करूं कि नहीं करूं, और अभी पूरी तरह से युद्ध के मैदान में रहते हुए भी यहाँ अलग प्रश्न हो गया कि बोले आप अपने बारे में बताओ। कहाँ मुद्दा क्या था, जीवन से संबंधित, संसारी जीवन से संबंधित, और अभी अलग मुद्दा आ गया कि आप मेरे को अपने बारे में जो आपने कृपा करके बताया उसे विस्तार से बताओ, बड़ा आनंद आ रहा है। तो ये भक्ति का मार्ग है जिसमें लोग भक्तों के संपर्क में आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर के, कि हमारे साथ ऐसा हो गया है, आप कुछ बताइए, कुछ उपाय बताइए, क्या कर सकते हैं। और भक्त लोगों का कार्य क्या होना चाहिए? संसारी उपाय वगैरह ना बता करके उनको बिठाना चाहिए और उनको भगवत ऐश्वर्य भगवत महिमा सुनानी चाहिए। ये नहीं ला तेरा हाथ दिखा मैं तेरी कुंडली बताता हूँ, तेरी कुंडली में तो ऐसा सर्प योग आ गया है, शनि योग आ गया है, मंगल योग आ गया है, राहु केतु का योग आ गया है,
अब तुम इसका उपचार ऐसे कर लो ऐसे कर लो, संसारी उपचार संसारी विधान है, उनमें थोड़ी देर के लिए व्यक्ति को संतुष्टि मिल भी जाएगी। क्या शाश्वत रूप से संतुष्टि मिल जाएगी? बोले कभी नहीं प्राप्त होने वाली। शाश्वत संतुष्टि सारी समस्याओं की एकमात्र है जो समस्त ऋषियों ने दिया है, जैसे अस्ति देवल नारद आदि का वर्णन किया। शाश्वत समस्या का एकमात्र समाधान है, सामने मौत खड़ी है और ऐसी मौत खड़ी है एक प्रकार से कि जिनका की गारंटी है, जिनको अपोजिट साइड वाले लोगों को मार नहीं सकते। इच्छा मृत्यु का वरदान है पितामह भीष्म के पास, द्रोणाचार्य के पास, देवताओं के पास भी उनके बारे में जानकारी नहीं है कि इनको कैसे मारा जा सकता है। अश्वत्थामा है, बाकी लोग हैं जो एक प्रकार से अजर अमर जैसे ही हैं, उनके सामने इनके पास कोई वरदान नहीं। लेकिन मृत्यु का सारा भय चला गया, कोई मृत्यु का भय नहीं था, किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं, आनंद में डूब गए। हम लोग तो शांति से बैठ करके भी इन कथाओं को सुन करके आनंद का अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे हृदय में वो विश्वास का उदय नहीं। इसलिए इसको सेवा भाव से जागृत किया जा सकता है और ऐसी रुचि हमारे हृदय में भी जागृत हो सकती है। अब भगवान कृपा करके अपने विस्तार से और अपने ऐश्वर्य को बताइए। जितना हम भगवान की महानता को जानेंगे उतना ही हम भगवान के प्रति समर्पित हो पाएंगे। जब हम भगवान की महानता को नहीं जानेंगे हमारे जीवन में वैसा समर्पण का सदा अभाव रहेगा और हम संसार में ही फंसे रह जाएंगे। तो आगे चल करके भगवान क्या कल से सुनाएंगे तो हम कल के दिन चर्चा करेंगे। धन्यवाद सभी भक्तों का धैर्य पूर्वक श्रवण करने के लिए। यस, किन्हीं के कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं प्लीज। यस ऋषभ प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जैसे हाँ मतलब पिछले काफी टाइम से मतलब श्रवण पे ही फोकस हो रहा है कि यदि भगवान के बारे में श्रवण करेंगे मतलब तभी मतलब जो भी अल्टीमेटली तभी हमें मतलब भक्ति में रुचि आएगी। पर प्रभु जी मैं बड़ी कोशिश करता हूँ, मतलब गीता क्लास जैसे डेली लगती है, यहाँ तो मेरा श्रवण हो जाता है, बट घर जाके मतलब मैं बड़ी कोशिश, मैं फ्री होता हूँ तो मैं घर जाके भी बड़ी कोशिश करता हूँ मैं श्रवण करूँ या बुक रीडिंग करूँ। मतलब मेरा एक दो दिन बड़ा अच्छा चलता है, मेरा इंटरेस्ट बन ही नहीं पाता श्रवण में। तो कैसे इंटरेस्ट मतलब मैं डेवलप करूँ श्रवण में, मतलब बहुत कोशिश करता हूँ मतलब बन ही नहीं पा रहा, मतलब इंटरेस्ट ही नहीं क्रिएट हो पा रहा। अभी आप देखेंगे गीता में पहले तो अर्जुन बोल रहे हैं और अपने अपने मत दे रहे हैं, बहुत अच्छे खासे मत दे रहे हैं, ऐसा अगर युद्ध में करूंगा तो ये नुकसान हो सकते हैं, समझ रहे हो? तो कृष्ण को अपनी ओर से तथ्यों को रख रहे हैं और कृष्ण उन तथ्यों को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। उसके पश्चात वो अपनी समस्याओं के रूप में कृष्ण के सामने पेश आ रहे हैं। पहले तो कृष्ण को ही समझा दिया उन्होंने, एक प्रकार से समझाने की चेष्टा कर रहे हैं, कृष्ण को सुना रहे हैं कि आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, क्या आपने अपने गुरु का वध किया है, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, ये तो सारी परंपरा ही नष्ट हो जाएगी, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, हम तो नरक में चले जाएंगे, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, हमें तो कोई सुख मिलेगा ही नहीं जब ये सारे लोग मर जाएंगे, राज्य सुख से भी हम वंचित हो जाएंगे, परिवारी जनों के साथ तो देखा देखा करके हम सुख भोग सकते हैं। तो जो संसारी जितने भी लोगों के पास दृष्टिकोण होते हैं ना, वो सारे दृष्टिकोण उन्होंने सबसे पहले कृष्ण को समझाने के लिए रखे। देखो किस प्रकार से गीता चल रही, थोड़ा सा इसको समझने की चेष्टा करें। कृष्ण के सामने पहले उन्होंने अपनी ओर से प्रस्ताव रखे और कृष्ण को चुपचाप सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं। तो ये पोजीशन हमारे साथ भी होती है, हम लोग अपनी बातों को अपनी सिद्धांतों को बोले मैंने ये यहाँ पढ़ा, लोग ऐसा कहते हैं, उसमें तो ऐसा कहा गया है, पहले हम भक्तों को ही समझाने की चेष्टा करते या गुरु जी को ही समझाने की चेष्टा करते, तब तक तो कोई गुरु बनाता ही नहीं है, काफी बहसबाजी होती है। तो जो बहसबाजी हमारी ओर की होती, पहली तो ये पोजिशन है कि पहले हम सुनाना चाहते हैं। उसके पश्चात जब उन्होंने देखा कि कृष्ण एक एक चीज को काटते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं, उसके पश्चात वो कहते अच्छा मैं आपको गुरु बना लेता हूँ। फिर उन्होंने गुरु बना लिया, जब गुरु बना लिया समर्पण के साथ, तो फिर आगे बढ़े, आगे बढ़े, तब कृष्ण अपने सिद्धांतों को उनको समझाने की चेष्टा कर रहे हैं सिस्टमेटिकली कि भैया समस्या कहाँ है। अब वो बड़ी विनम्रता से उन्होंने गुरु बनना बनाया, तो गुरु बनाने की जो योग्यता उनके अंदर आई, तत् विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया वाली, तो भगवान को विनम्रता के साथ समर्पण के साथ वो प्रश्न कर रहे हैं। पहले समझाने के हिसाब से बोल रहे थे, अभी समझने के हिसाब से बोल रहे हैं, समझ रहे हो?
एक शिष्य की योग्यता है अब समझने के हिसाब से प्रश्न करने। तो कृष्ण उनको समझा रहे हैं, अब आगे बढ़े तो कृष्ण कह रहे हैं अब तुम एक काम करो, तत्श्रण, अब तुम सुनो। अर्थात उससे पहले कृष्ण ये देख रहे हैं कि अभी इनके अंदर सुनने की वो रुचि नहीं है, अर्थात भगवान को कहना पड़ रहा है ध्यान से सुनो, इधर ध्यान दो, समझ रहे हो। जी जैसे भक्त लोग कई बार आप लोग सुन रहे हैं तो सुनते समय कोई शिमला मिर्च काटता है, कई बार कोई पपीता काटता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ गाड़ी चलाता है, कोई 50 कामों को करते हुए लोग सुनते हैं, तो बोलना पड़ता ध्यान से सुनो, ध्यान किधर है, इधर ध्यान दो। जैसे राजा परीक्षित को भगवान बार बार सुखदेव गोस्वामी के रूप में समझाते ध्यान से सुनना भैया ये कथा बड़े काम की। तो कहाँ तो 1000 काम छोड़ करके इस काम को महत्व दिया जा रहा है। अब हमारी पोजीशन क्या है, हम 1000 काम करने के लिए इस काम को छोड़ने के लिए तैयार है। सब सब बिल्कुल हमारी स्थिति। तो भगवान पहले क्या कह रहे हैं 7वें अध्याय में, तत्श्रणु, मुझसे सुनो। और अब आप यहां देखोगे तो यहाँ कितना परिवर्तन आ गया इस अध्याय में। तो वो कृष्ण को अर्जुन कह रहे हैं अब आप कृपा करके अपने बारे में विस्तार से बताइए, मेरी बोले तृप्ति नहीं हो रही, मेरे को बोले बड़ा आनंद आ रहा है। तो इसके पश्चात ही ऐसा संभव है, ये सिस्टम है, जब आप 9वां अध्याय की भावनाओं को अंदर अंगीकार कर लेंगे, मन मना भव मद भक्त मध्या जीवाम नमस्कुरु का, जब ये चैप्टर खत्म होगा, ये सिद्धांत हमारे जीवन में आएगा, तब जाकर के ये 10वें अध्याय के सिद्धांतों के स्तर पर हम आकर के ऐसा अनुभूति करेंगे कि हमारे अंदर अद्भुत रुचि पैदा होगी। तो कई बार मूवी है हम जैसे 3 घंटे में सुन लेते हैं ना, तो ऐसा लगता है 3 ही घंटे की लाइफ थी सारी की सारी हीरो हीरोइन की, बोले 3 घंटे की लाइफ नहीं होती, वो तो मूवी में दिखाई इस तरह से जाती है, लाइफ तो काफी बड़ी होती है, ईयर्स में होती है। इसी प्रकार से ये गीता को हम समझाने की प्रयास कर रहे हैं या समझने का प्रयास कर रहे हैं, बोले इसमें समझना समझाना बोलना अलग बात है, इसको रियलाइज करने के लिए इसमें सालों लग जाते हैं, इसमें समय लग जाता है। इसका एक ही उपचार है, बस कनेक्ट रहो। जैसे अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन निरंतर क्या है, कनेक्टेड कनेक्टेड है। हमारी स्थिति क्या है, आज एक क्लास कर लिया, फिर एक हफ्ते के बाद दूसरी क्लास करने के लिए आएंगे, तो हमारी स्थिति कनेक्शन वाली कहाँ है। हमारी स्थिति तो 1000 काम करते हुए बड़ी मुश्किल से इसमें इन्वॉल्व हो पाते हैं। तो धीरे धीरे ही बढ़ेंगे, धैर्य धारण करना चाहिए, हमें अपने आप में जो बोला जाए वही करते रहना चाहिए, सब कुछ रास्ते धीरे धीरे निकलते हैं। ठीक है, जी ब्रो, थैंक थैंक यू ब्रो यू। जी, हेल्प यू। यस ऋचा माता जी, हरे कृष्ण हाँ पहले तो प्रभु जी, मतलब जब भी मैं अपने लेक्चर सुनती हूँ ना, स्पेशली आपका लेक्चर, अगर लेक्चर सुनती हूँ अगर माइंड में कुछ क्वेश्चन आया तो जब आप अगला वर्ड बोलते हो ना, उसी वर्ड में मुझे सबसे लगता मिल जाता है मेरे माइंड को, मतलब वो इमीडिएटली अगर तो मेरे माइंड में ना किसी बार, क्योंकि मुझे क्वेश्चन नहीं आते, मुझे डाउट नहीं आते, तो मैंने पूछना था मैं कि मैं लैक ऑफ कैटेगरी में तो नहीं आ रही, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है। उसके बाद बहुत मुश्किल से एक क्वेश्चन और ढूंढा मैंने कि मैंने ना पूछना है थोड़ी सी। तो मुझे जब हम मतलब मटेरियल लाइफ में होते हैं तो हमारी बहुत सारी मटेरियल डिजायर होती है, तो जब हम भक्ति करते हैं तो मटेरियल डिजायर ना बिल्कुल शांत और निकल हो जाती है, पर खत्म नहीं होता। कुछ टाइम के बाद वो मटेरियल डिजायर एकदम से ब्लास्ट होकर निकलती है, तो हम क्या सोचते हैं कि उसके ऊपर काम किया जाए। तो प्रभु जी वो चीजें नो डाउट हमारी भक्ति के लिए तो अच्छी नहीं है, या तो हम कृष्ण की सेवा में नहीं लगा सकते, तो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए उसको कैसे काउंटर किया जाए, कैसे उसको खत्म किया जाए। देखो सबसे पहली बात तो अगर हमारे हृदय में क्वेश्चंस नहीं उठते तो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, क्वेश्चंस नहीं उठना भी अपने आप में एक अच्छी बात भी है कि हम अगर संसार में पड़े हुए हैं और हम क्वेश्चंस नहीं उठा रहे तो गड़बड़ है, लेकिन अगर हम भक्तों के साथ में रह रहे हैं और क्वेश्चंस नहीं उठ रहे हैं तो एक प्रकार से हमारी जिज्ञासाएं शांत हो रही हैं और शांत हो चुकी हैं काफी कुछ, और आगे चल करके हमारा जैसी जिज्ञासाएं भगवान भी तो हृदय में बैठे हुए हैं, देख करके उन समस्याओं का प्रश्न भगवान उत्तर के रूप में पहले से ही देते रहते हैं। हमारा मूल उद्देश्य होना चाहिए भक्तों के साथ उठना बैठना रहना कथाओं को सुनना, तो हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर आगे चल करके मिलते ही चले जाएंगे, प्रश्न उठने से पहले ही मिल जाएंगे। जब हम संसार में रहेंगे तो हमारे प्रश्न उठेंगे, जब संसार से निकल करके भक्तों के सानिध्य में रहेंगे तो प्रश्न उठने से पहले ही उत्तर भक्त लोग दे देते।
क्योंकि जो घटना घटित होने वाली है संसार में वो सब चीजें भक्त लोग जानते हैं, उसके अनुसार वो लोग आधार बनाते हुए, जैसे गीता में भगवान आधार बनाते हुए चल रहे हैं सिस्टमेटिकली, ऐसे ही सिस्टमेटिकली भक्तों के सानिध्य में रहने से हमें शिक्षा अपने आप ही प्राप्त होती रहती है, तो इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। दूसरा जो समस्या हम देख रहे हैं, मटेरियल लाइफ में रहते हुए हम भक्ति करते हैं और मटेरियल दायित्वों को निभाते हुए चलते हैं, तो मटेरियल डिजायर्स का उठना स्वाभाविक होता है और मटेरियल डिजायर्स जाती भी हैं, कम भी होती हैं, लेकिन एक दिन से आकर के फिर फटती हैं। फटती इसीलिए हैं क्योंकि हमने उन चीज़ों को भगवान की सेवा में नहीं लगाया, हमने उनको दबाने का चेष्टा किया। हमें दबाना नहीं होता, हमें उन चीज़ों को एंगेज करना होता है, लेकिन मटेरियल लाइफ में क्या होता है, हम जब पैरेलली मटेरियल लाइफ जीते हैं तो हम एंगेज नहीं कर पाते। जब हम एंगेज करेंगे तो ऐसी रुचि पैदा हो जाएगी जैसी अर्जुन के अंदर यहाँ पर रुचि है, फिर वो रुचि ही शिफ्ट हो गई ना, डिजायर शिफ्ट हो जाने का मतलब है रुचि को शिफ्ट कर देना, लेकिन डिजायर को हमने दबाने की चेष्टा किया, हमने डिजायर को डाउटेल नहीं किया। अभी हम क्या करते हैं, थोड़े समय के लिए भक्तों की संगति छोड़ देते हैं और छूट जाती है कई बार मटेरियल दायित्वों के कारण, और उस समय में कोई चिंगारी लगा देता है हमारी डिजायर में, जो चिनकारी लगा देता है तो एकदम से वो पकड़ करके, आग पकड़ करके ब्लास्ट हो जाती है। तो हमें पूरी तरह से ही मटेरियल एसोसिएशन से दूर रहना पड़ेगा, जिसमें कि हम डवटेल नहीं कर पा रहे हैं हमारी मटेरियल डिजायर्स को आध्यात्मिकता की ओर। आध्यात्मिकता की ओर डवटेल करने के लिए हमें इतना तो करना पड़ेगा, और क्योंकि मटेरियल जिम्मेदारी कुछ नहीं होती, मटेरियली हम अपने जीवन को जीते हैं। मटेरियल जिम्मेदारी को हम स्पिरिचुअल जिम्मेदारी भी बना सकते हैं। मटेरियल जिम्मेदारी क्या होती है, पैसा कमाना, पैसा कमाना तो मटेरियल क्या स्पिरिचुअल लाइफ में भी हो सकता है, हम उसे टोटली स्पिरिचुअलाइज कर दें। मटेरियल जिम्मेदारी क्या होती है, बीवी बच्चों का परिवारी जनों का पालन करना, हम उसको स्पिरिचुअलाइज कर सकते हैं। हम ऐसे भक्तों के साथ गृहस्थ जीवन में जा सकते हैं जो कि टोटली स्पिरिचुअलाइज नहीं, लेकिन प्राय थोड़ा कठिन तो है कलयुग के समय में, लेकिन करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो विश्वामित्र जी जैसी दशा हो जाएगी हमारी। हमें भक्ति से युक्त तो होना पड़ेगा, हम केवल अन्य मार्गों की तरह इसको दबा के नहीं रख सकते, हम लोग प्राय दबाने की चेष्टा करते हैं। भक्तों के सानिध्य में रहते हैं तो थोड़ी देर के लिए दबी रहती है, जैसे ही हम संसारी लोगों के सानिध्य में रहते हैं चिंगारी पकड़ करके आग पर रूप ले लेते हैं। हम ऐसा सोचिए सदा बचे तो ही बच सकते, नहीं तो कठिन है। तो प्रभु जी, मतलब ये जो डिजायर होती है इनको अचीव करके ना, मेरे माइंड में कभी कभी आता है कि मैं एक पर्टिकुलर कोर्स है उसका चैप्टर मैं उसको क्लियर कर लूँ, मेरे माइंड में ये चीज बहुत आती है, मैंने छोड़ भी दिया था, अब फिर भी अराइव हो जाती थी, मैं वो पर्टिकुलर टेस्ट दूँ और वो अचीव कर लूँ। तो प्रभु जी, वो करना चाहिए, करना चाहिए, उसको कैसे भगवान की सेवा में लगाऊँ। उसके लिए पर्सन टू पर्सन अलग अलग इंस्ट्रक्शंस होते हैं, किस व्यक्ति की कैसी स्तर है, किस व्यक्ति का कैसा दशा है। जो भक्त लोगों के निर्देशन में हम जीवन जीते हैं वो लोग हमें हमारी जीवन को अच्छी तरह से, जीवन शैली को अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए भागवत में कहा जो जिस दशा का है बोले उसको तीव्र भक्ति करनी चाहिए, तीव्र भक्ति करते हुए अपने आप ही आप सब दशाओं से निकल जाएंगे। काम स अकामा सर्व काम हुआ मोक्ष काम उदार दी तीव्रेण भक्ति योगे, तीव्र भक्ति करेंगे तो हम हर स्थिति से बाहर निकल जाएंगे, निकलना नहीं पड़ेगा स्वयं तो निकल जाएंगे, लेकिन तीव्र भक्ति। यस दीक्षा वैद्य माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी। जैसे आज जैसे आप लेक्चर में बता रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण ही कैसे परम सत्य हैं, सत्य के भी सत्य हैं, तो जो लोग जैसे देवी माँ के उपासक होते हैं, या जैसे वो बताते हैं कि उनके पुराणों में लिखा है कि वही वो खुद कहती हैं कि मैं ही नहीं कृष्ण, और मैं ही कृष्ण, मैं ही राम हूँ, मैंने ही कृष्ण बन के कंस का वध किया, या मेरे से ही ये विष्णु ब्रह्मा और महेश उत्पन्न हुए। और वहीं हम देखते हैं कि हम जैसे भागवत महापुराण पढ़ते हैं, या फिर ब्रह्म संहिता में भी आता है वर्णन कि जो दुर्गा माँ है वो भगवान श्री कृष्ण की ही सेविका है, उनकी ही शक्ति है, तो उनके ही निर्देश के अनुसार कार्य करती हैं। तो हम ये क्या क्या किस लॉजिक से समझेंगे कि
अगर किसी को समझाना हो तो क्या तर्क देंगे कि वास्तविक में ऐसा कैसे है कि दोनों में हाँ से। बहुत अच्छी बात है। देखो, तीन प्रकार के शास्त्र हैं, तमोगुणी शास्त्र, रजोगुणी शास्त्र, सतोगुणी शास्त्र। तो जो तीन प्रकार के शास्त्र हैं उनमें तीन प्रकार के लोगों के हिसाब से निर्देशन दिए गए हैं। जो तमोगुणी लोग हैं उनके लिए शंकर भगवान को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है। उसमें इस प्रकार से चीजों को दर्शाया जाता है, ये देखो भगवान राम ने शंकर जी की स्थापना किया था रामेश्वर में, बिना उनकी शक्ति के तो वो लोग भी बोले उसके ऊपर पुल नहीं बांध पाए या आगे पार नहीं जा पाए, इसलिए शंकर जी की महिमा अपार है। तो कुछ ऐसे सीन दिखाए जाते हैं, ऐसी लीलाएं दिखाई जाती हैं, और भगवान जानबूझ करके इस प्रकार से अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं जिसमें कि उनकी सत्ता को सर्वोपरि दिखा दिया जाता है, और तमोगुण के अंतर्गत रहने वाले लोगों को वही चीज समझ में भी आएगी। जैसे छोटा सा बच्चा है उसको तीन में से दो घटाना संभव होगा, लेकिन जब बड़ा हो जाएगा तो उसे समझ आएगा कि दो में से भी तीन घटाया जा सकता है, दो विरोधी बातें भी एक साथ एग्जिस्ट कर सकती है। लेकिन छोटा है और उसके सामने आप दो में से तीन घटाओ तो कहेगा तुम पागल हो, तो उस स्थिति में बड़ा व्यक्ति क्या कहे, उसके साथ बहस करेगा? बड़ा व्यक्ति कहेगा हाँ तुम सही हो, मैं ही पागल हूँ, ठीक है। तो बड़े व्यक्ति को बहस नहीं करना होता, बड़ा व्यक्ति जानता है कि समझदार तो मैं ही हूं, लेकिन अब ये इतना छोटा है कि इसको ये बात समझा ही नहीं जा सकती। तो तमोगुण के स्तर पर भूत पिशाच आदि इस प्रकार की सेवाओं का, तांत्रिक विधियों का, इन सब चीजों का वर्णन किया जाता है जिसमें शिव जी को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया जाता है। उसके पश्चात जो रजोगुणी लोग होते हैं वो अन्य देवी देवताओं के उपासक बनते हैं, और अंत में वो सबसे बड़ा ब्रह्मा जी को मानते हैं, जैसे रावण आदि हुए ये। हाँ, रावण ने भी ब्रह्मा जी की आराधना किया, हिरण्यकश्यपु ने भी ब्रह्मा जी की आराधना किया, दूसरी ओर वृकासुर ने शंकर जी की आराधना किया क्योंकि वो तमोगुणी था। अब इससे ऊपर और जाएंगे तो सतोगुण के अंतर्गत आते हैं। सतोगुण के अंतर्गत भगवान या भगवान के अवतारों की आराधना सिखाई जाती है। तो एक मैच्योर अंडरस्टैंडिंग में देखा जाए तो सतोगुण श्रेष्ठ है या तमोगुण श्रेष्ठ है या रजोगुण श्रेष्ठ है, तो उत्तर मिलेगा सतोगुण श्रेष्ठ है, तमोगुण से रजोगुण ठीक है, रजोगुण से सतोगुण ठीक है। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए जब सतोगुण श्रेष्ठ है तो सतोगुण के सिद्धांत भी, शास्त्र भी श्रेष्ठ होंगे। अब सतोगुण के शास्त्र जब श्रेष्ठ हैं तो सतोगुण के शास्त्रों के द्वारा जो चीजें बताई जा रही हैं वो भी वही श्रेष्ठ होंगी, फिर वो सर्वश्रेष्ठ होंगी। इस प्रकार से स्वयं शंकर भगवान ऐसी घोषणा करते हैं कि आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराधनाम परम। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने घोषित किया है ईश्वर परमा कृष्ण। तो इन सभी ने इन चीजों को माना, लेकिन वो सतोगुण के सिलेबस तक जाएंगे तब ये समझ में आएगी ना, अभी तो तमोगुण का ही सिलेबस पार करने में इतना समय लग रहा है। और भगवान शंकर की भी आराधना सतोगुणी लोगों ने भी की है, लेकिन वो एक अलग एंगल से की है, वो उन्होंने भगवान को वैष्णव मान करके की है। अभी जैसे यहाँ पर मैंने आपको कथा सुनाया था जिसमें कि वैष्णवों की सेवा के लिए भगवान को भी साइड कर दिया, तो जब वैष्णवों की सेवा के लिए भगवान को साइड कर दिया तो यहां से तो ऐसा लग रहा है कि देखो देखो वैष्णव कितने बड़े हो गए। अब मान लो वैष्णवों को लेकर के तो ये बात समझ में आ गई, साधु संतों को समझ में आ गई, लेकिन इसी घटना को अगर दुर्गा माता के साथ जोड़ते तो हमारा दिमाग भी हैंग हो जाता, हम सोचते अच्छा दुर्गा माता बड़ी है, इसका मतलब ये घटना भी घटित हुई ब्रज लीला में जिसमें कि गोपियों ने कात्यायनी देवी की आराधना किया, किसको पाने के लिए, भगवान को पाने के लिए। भगवान का तो वहां से जब हम देखेंगे तो अरे ये देखो भगवान की प्राप्ति, मतलब भगवान को देने वाली कात्यायनी देवी हैं और ये दे सकती। हाँ आराधना किया, लेकिन वो आराधना उन्होंने देवी रूप में मान करके तमोगुणी या रजोगुणी वाले भाव से नहीं किया, उन्होंने किस भाव से किया, वैष्णव भाव से किया, बोले इनका नाम वैष्णवी है क्योंकि ये वैष्णव हैं, तो ये वैष्णो देवी हैं, तो उन्होंने वैष्णव मान करके किया। जैसे संत मान करके श्रीदास जी ने सेवा किया और भगवान का भोग लगाना वगैरह भूल गए और भगवान ने फटाक से दरवाजे खोल दिए, यही अगर वो आकर के कहते मैं तो दुर्गा जी की आराधना करने के लिए गया था और आपको बुरा लग रहा है तो लगे, तो हम अलग ही अंडरस्टैंडिंग मैच्योर कर लेते वहां से। तो जबकि कोई वैष्णव जा सकता है दुर्गा जी की आराधना करने के लिए, क्या मान करके, वैष्णव मान करके। वैष्णव
शंकर जी को जा सकता है क्या मान करके? वैष्णव मान करके। ब्रह्मा जी की आराधना कर सकता है क्या मान करके? वैष्णव मान करके। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र के पास भेजा अर्जुन को, जाओ वहां से अस्त्र शस्त्र लेकर के आओ। तो कोई सोच, अच्छा कृष्ण के पास लगता है इतने थे नहीं जिसके चलते इनको स्वर्ग में भेजा, मतलब देवता लोग बड़े हो गए। ऐसा नहीं है, वैष्णव मान करके तुम्हारे पिता हैं, वो संसारी दृष्टि से पिता पुत्र का हित जाएगा। तुम्हारे असली पिता एक प्रकार से देखा जाए तो देवराज इंद्र ही हैं, तुम उन्हीं के अंश से पैदा हुए हो। और देवता लोगों को भगवान दिखा रहे कि जहाँ पे कृपा मेरी हुई ताँ पे कृपा करे हर कोई, तुम्हें शरीर के साथ ही सीधा स्वर्ग में जा सकते हो। तो भगवान अपने भक्तों की महिमा दिखाना चाह रहे हैं। तो भगवान शास्त्रों में, सतोगुनी शास्त्रों में लीलाएं कुछ और दिखाना चाह रहे हैं। इस लीलाओं को तमोगुनी लोग समझते किसी और एंगल से, लेकिन रजोगुनी लोग अलग एंगल से समझते हैं और सतोगुनी लोग समझते हैं। तो सबका अपना अपना एंगल है समझने का, सबका अपना अपना एंगल है समझाने का, लेकिन इन चीजों सिद्धांत के आधार पर समझने के लिए योग्यता लगती है, धीरे धीरे वक्त करने से आती है। ठीक है, प्रणाम जी, धन्यवाद प्रभु जी। प्रणाम। हरे कृष्णा। यस काजल माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, मेरे दो क्वेश्चन है। प्रभु जी, फर्स्ट ये कि मेरी क्लास रहती है मॉर्निंग में, ऑनलाइन क्लास चलती है, और मेरी मतलब टेक जो मैं जूनियर इंजीनियर की तैयारी कर रही हूँ तो उसकी, और मैं ऑफिस भी जाती हूँ, तो फिर सुनने का मेरा इंटरेस्ट सुनने में ज्यादा रहता है, तो मैं क्लास स्किप करके सुनने लग जाती हूँ लेक्चर। तो वो क्या सही है कि क्या मुझे फिर बीच में ध्यान आता है कि अरे मुझे कुछ पढ़ना भी था वो मेरा रह गया, और फिर और मैं यही मतलब सुन क्लास में ही मेरा फोकस रहता है कि मैं थोड़ा सा सुन लेती, मेरा कुछ छूट गया, या और मेरे जो भी क्वेश्चंस रहते हैं कि आपके क्लास के थ्रू मुझे मिल जाते हैं तो वो और इंटरेस्ट आता है, तो क्या सही है वो समझ नहीं आता। देखो, इसमें मेरी क्लास नहीं है, ये क्लास तो भगवान दे रहे हैं यहाँ पर, और अर्जुन श्रोता हैं, और हम जी सभी अर्जुन की तरह ही श्रोता बनने का प्रयास कर रहे हैं उनके पद चिन्हों का पालन करते हुए। तो ये क्लास तो भगवान की है, आइडियली तो भगवान की क्लास के सामने सारी क्लास स्किप कर देनी चाहिए, सब कुछ स्किप कर देना चाहिए। ये जीवन को ही भगवान के चरणों में सौंप करके इसी चीज को सुनना चाहिए। जैसे अर्जुन युद्ध को छोड़ करके, अलर्टनेस करके, युद्ध में कितनी अलर्टनेस चाहिए होती है, वो सब छोड़ करके भगवत आराधना, तो भगवान उनकी सदा रक्षा करेंगे। तो संसारी दृष्टि से भी अगर हम इन क्लासेस को सुनेंगे और बिना किसी, अभी जैसे हम हॉस्टल में रहते थे तो हमारा रूम पार्टनर एक जगह झगड़ा करके आ गया, तो जब झगड़ा करके आ गया तो काफी बड़ा बवाल मच गया, आपस में दो पार्टी बन गई कॉलेज के अंदर, एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू हो गए। तो मेरे को कहने लग गया चलो मेरे साथ चलो, और मेरा काफी क्लोज मित्र था, मैं जाने के लिए भी तैयार था, लेकिन उसी समय भगवत गीता क्लास का समय था जो हॉस्टल में मेरे प्रभु जी लेते थे, तो मैं किसी भी हालत में क्लास मिस नहीं करता था। तो मैंने कहा यार क्लास का समय है, अब मैं किसी भी हालत में तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। तो बड़ा नाराज हो गया, और वो बोला यार देख लिया मैंने तेरे को, मतलब देख लिया तो पहले भी देख लिया, अब और अच्छी तरह से देख लिया, अच्छी बात है, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। आखिर में मैं क्लास में चला गया और वो लोग वहां लड़ने के लिए चले गए। क्या हुआ, उस सब के सब बेचारे उसमें थाने में कैद हो गए, पुलिस उनको पकड़ के ले गई और सब के सब अंदर चले गए। मैं क्लास में अगर नहीं गया होता तो मैं भी उनके साथ थाने में ही रोटियां तोड़ रहा होता, मच्छर खा रहा होता मैं, लेकिन मैं क्लास में चला गया तो मैं बच गया। फिर मेरे को फोन आया कि भाई ऐसे ऐसे हम लोग तो यहाँ थाने में पकड़ लिए गए और एक प्रकार से जेल जान भेजने की तैयारी हो रही। मैं फिर एक आध व्यक्ति को लेकर के प्रिंसिपल के पास गया, प्रिंसिपल बेचारा मेरा बहुत काफी सम्मान करता था, तो प्रिंसिपल ने फोन लगाया और प्रिंसिपल के कहने पर थानेदार ने उन सब लोगों को छोड़ दिया। तो इवेंचुअली मेरा नहीं जाना ही उनके काम आया कि नहीं आया, लेकिन अगर मैं उनके साथ चला जाता तो ना मेरे काम आता ना मैं उनके काम आता, मैं अपना भी भला नहीं कर सकता था उनका भी भला नहीं कर सकता था। इसलिए क्लासेस को लेकर के फिर मेरे को अकल आई, देखो मतलब भगवान आपने अच्छा किया मेरे को क्लास में बुला लिया। तो हमें वास्तव में तो क्लास कभी छोड़नी नहीं चाहिए, और रात दिन क्लास के लिए ही जीवन मिला है, रात दिन भक्ति करने के लिए जीवन मिला है, लेकिन हम लोग इसकी महिमा को समझ नहीं पाते। तो आइडियली तो ये करना चाहिए, लेकिन संसार में हम फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं,
तो उस स्थिति में हमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज भी किया जा सकता है देश काल परिस्थिति के अनुसार। मान लो ये क्लास रिकॉर्डेड रहती है, अगर ये क्लास रिकॉर्डेड है और दूसरी क्लास अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है कि दोबारा में हम उसको किसी और टाइम में सुन सकें, तो उस स्थिति में उस क्लास को थोड़ा महत्व देते हुए इस क्लास को बाकी समय में सुन लेना चाहिए, इतना ही बोला जा सकता है। लेकिन ये सेकेंडरी ऑप्शन है। ठीक है, हरे कृष्ण। यस वसुधा माता। प्रभु जी, मेरा एक और क्वेश्चन था। प्रभु जी, जैसे मेरे घर में नॉनवेज खाते हैं तो, और मेरे बड़े भैया हैं, उनकी थोड़ी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, तो मुझे बोलते हैं कि तू जब से भक्ति करने लगी तो और ज्यादा हमारे घर में प्रॉब्लम होने लगी है, या बोलते हैं कि कोई बाहरी कुछ कर दिए हैं, तो वो समझ में नहीं आता। उसके नाम से हमारे घर में काफी टेंशन रहती है, मतलब बड़े भैया के नाम से। और आजकल मैं मतलब मंदिर वगैरह चले जाती हूँ सेवा देने या कुछ, तो मुझे और फिर वो करते हैं कि नहीं जाया कर, मतलब जब से तू भक्ति कर रही है तब से और हमको ज्यादा दिक्कत हो रही है ऐसा। तो उस में क्या करना चाहिए, मतलब मैं तो छोड़ नहीं सकती मतलब सेवा देना या कुछ, तो मेरे साथ ही काफी लड़ाई हो जाती है डेली, ऐसा होता है कुछ ना कुछ तो। देखो, संसारी लोग संसारी दृष्टिकोण से देखते हैं। जैसे मैंने बताया, उनका सोचने का देखने का एक एंगल ही अलग होता है। जैसे संसारी व्यक्ति कहेगा, हिरण्यकश्यपु का बहुत बढ़िया शासन चल रहा था, बड़ा आनंद से घर परिवार जी रहा था, लेकिन जब से ये प्रहलाद आ गया ना, तब से ये कला क्लेश बढ़ गई, तब से मारा पीटी, बोले मारो मारो इसको, पकड़ के मारो, इधर मारो उधर मारो, ऐसा करो वैसा करो। बोले यही बाप को सबसे बड़ा परेशान करने वाला व्यक्ति बना। अरे बाप को वो परेशान थोड़ी कर रहा है, बाप अपने कर्मों से खुद ही परेशान हो रहा है। ऐसे ही संसार में हम मांसाहार करते हैं, मदिरा पान करते हैं, हम खुद ही परेशान होते हैं, और हम सोचें कि दूसरे व्यक्ति के कारण हम परेशान हो रही है, तो थोपने वाली बात है। जैसे कई बार लोग कहते हैं, आप इनके ऊपर कृपा करो। तो एक व्यक्ति को हमसे मिलाया किसी ने, तो हमने उनसे पूछा, आप मांसाहार करते हैं? तो एकदम हंस गए वो, मतलब कितना करते हैं? बोले प्रभु जी गिनती नहीं, तकरीबन रोज ही चिकन वगैरह मैं रोज ही खा लेता हूँ, अंडे फंडे तो कोई सोच ही नहीं सकता कितने खाता हूँ। तो हम क्या कर रहे हैं, जीवों की हत्या कर दे रहे हैं, पूरी तरह से जीव का गला काट दे रहे हैं एक प्रकार से। कितना बड़ा पनिशमेंट है उस जीव के लिए। आप उसको चिमटी नहीं भर रहे हो, आप उसका हाथ पैर नहीं काट रहे हो, आप सीधा उसका गला ही दबा दे रहे हो, गला ही काट दे रहे हो। कितना बड़ा भयानक बात है। तो कोरोना काल में क्या हुआ, भगवान ने ऐसे खाने वाले लोगों का ही गला दबाना चालू कर दिया। अच्छा, खाने वाले लोगों का गला दबाना चालू कर दिया, फिर बोले हमारे लिए प्रार्थना करो, आप देखो आप कुछ करो ना, हमारे रिलेटिव का गला दब रहा है। मैंने कहा यार ऐसे कैसे, जब उसको बोला था कि भाई तुम मत खाया करो, ये सब चीजें छोड़ दो, बोले नहीं मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं छोड़ नहीं सकता। मतलब बहुत बड़ा सत्यवादी है, सत्य बोल रहा है, लेकिन ऐसे सत्य का क्या लाभ जिसके चलते वो कुकर्म में लगा हुआ है। तो ऐसा सत्य तो हीनता की ओर लेके, जो बोले ना तो अब संसारी दवाई काम कर रही है, ना आपकी प्रार्थनाएं काम कर रही हैं, ऐसे कैसे प्रार्थनाएं काम करेंगी भैया। जैसे मान लो आप ट्रेन में बैठे और आपके पास अपनी टिकट है नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति की टिकट पर आप जा करके बैठ गए, जिसने पैसा दे करके टिकट कंफर्म कराया है। अब वो व्यक्ति को आने में थोड़ा सा भी स्टेशन पे देर हो रही है, और आप उस स्टेशन पे जाकर के आपने देखा सीट खाली, आप जाकर के बैठ गए। अब आप लगे प्रार्थना करने के लिए, भगवान कृपा करके ये व्यक्ति आए ही नहीं सीट पर, जिसकी सीट है उसके लिए प्रार्थना कर रहे हो कि ये आए ही नहीं। ऐसी स्थिति में आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी क्या? और दूसरा व्यक्ति सीट वाला, जिसकी सीट है, वो प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मेरे को जल्दी से पहुंचा दो, कहीं ट्रेन मेरी छूट ना जाए, तो किस व्यक्ति की प्रार्थना सुनी जाएगी उस स्थिति में? तो जिस व्यक्ति की सीट है उसकी प्रार्थना भगवान सुनेंगे ना, तुम गलत प्रार्थना कर रहे हो। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार दंड पा रहा है, और उसमें वो व्यक्ति कहे कि आपकी प्रार्थना ही काम नहीं कर रही है, कैसे प्रार्थना काम करेंगी भाई, जब तुम्हें समझाने के लिए बोला गया और तुम समझ जाते, जैसे जगाई मदाई थे वो समझ गए, उसके पश्चात फिर नित्यानंद प्रभु की प्रार्थना काम की ना, और वो सारे के सारे पापों से मुक्त कर दिए गए। आप अपने उसूल को जीना चाहते हो, अपने स्टैंडर्ड्स के अनुसार जीवन जीना चाहते हो, और सोच रहे हो कि आपके लिए प्रार्थना काम करेंगी, ना प्रार्थना काम करेंगी, ना दवाइयाँ काम करेंगी, कुछ भी काम नहीं करेगा।
वो आपको अपने कर्मों का दंड प्राप्त होगा ही होगा। तो ये लोग संसार में दंड तो पाते हैं अपना, और थोपते हैं परिवारजनों के ऊपर, जैसे प्रहलाद जी के ऊपर थोपा जा रहा था। तो ऐसा नहीं था, भगवान के पास देवता लोग भी गए थे, देवताओं ने कहा हिरण्यकश्यप को इतने दुष्कर्म कर रहा है, मरता क्यों नहीं? बोले अभी भारी वाला दुष्कर्म नहीं किया। भारी वाला दुष्कर्म क्या? बोले ये वैष्णव के प्रति द्वेष करेगा तो उसके कारण बोले फिर मैं छोड़ूंगा नहीं। तो सबसे बड़ा खतरनाक काम तो उल्टा हिरण्यकश्यपु ने किया। वो क्यों मारा गया, क्यों इतना दिमाग में उसके बोधरेशन हुआ? बोले वो वैष्णव से घृणा करता था। तो संसार में हम लोग अपने कर्मों से या वैष्णव के प्रति अपराध के कारण दंड पाते हैं, क्लेशेस पाते हैं, जबकि भक्ति का तो सबसे पहला ही लक्षण है। भक्ति के 6 लक्षण है, भक्ति रसामृत सिंधु में घोषित किए हैं रूप गोस्वामी के द्वारा। उसमें सबसे पहला लक्षण है क्लेश अग्नि। भक्ति तो समस्त क्लेशों का नाश करती है, ये तो क्लेशों से तुरंत राहत देती है। अभी तो हमें यही पता नहीं कि क्लेश कितने प्रकार के होते, ये तो तीनों प्रकार के कष्टों का नाश कर देती है, आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आत्मिक। बोले तीनों प्रकार के कष्ट नाश हो जाते, तो हमारे ही कष्ट नहीं नाश हो जाते, सारे संसार के कष्टों को मिटाने वाली भक्ति। सारा संसार भक्तों की वजह से खा रहा है, सारा संसार भक्तों की वजह से पोषण को प्राप्त हो रहा है, लेकिन संसारी लोगों को लगता है हम भक्तों को दान दे रहे हैं इसकी वजह से भक्त लोग जीवित हैं। तो वो अपना अपना एंगल है लोगों का देखने का। तो आपके भैया या बाकी लोग इस प्रकार से सोच रहे हैं, वो उनकी सोच है, उनके अंदर रहने दो। हमें शास्त्रों को सोच कर अपने जीवन में जी। हरे कृष्ण। यस वसुदेव माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। एक तो मेरा क्वेश्चन भी, और उससे पहले ये पूछना था कि आपने 4 श्लोक याद करने को दिए थे ना, वो चतुर्श्लोक ही वाले, तो उसके बाद और भी करने हैं या अभी तक वो 4 ही करने हैं? विचार ही कर लो, जी प्रभु जी, बहुत सारे मैं बता दूंगा लेकिन आप जी लोगों प्रभु को हो जाएगा। जी प्रभु जी। और प्रभु का एक क्वेश्चन है कि जैसे हम शिक्षाष्टकम का लास्ट वर्स भी है कि भगवान, मतलब है तो ये बड़ी हाई स्टेज, लेकिन फिर भी मतलब हम कैसे परस्यू कर सकते हैं? बोला जाता है ना कि भगवान हमें जैसी स्थिति में रखे, हमें मारे या मतलब जैसे भी सिचुएशन में रहे, हम भगवान की सेवा करते रहेंगे। और एक प्रभुपाद जी का कोट भी था जिसको गुरु महाराज जी बोलते कि एक भक्त को भगवान जैसी भी स्थिति में रखते हैं, भक्त को उसी स्थिति में खुश रहना चाहिए और भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। तो लेकिन प्रभु जी, हमारे साथ ऐसे होता है कि हम भक्ति के लिए ही अच्छा सिचुएशन चाहते हैं और उसके लिए प्रयास करते हैं, लेकिन भगवान हमें और ही सिचुएशन में रख देते हैं, दूसरे ही सिचुएशन में, क्योंकि सब कुछ तो भगवान की मर्जी से ही होता है ना। तो फिर हम मतलब हम उस स्टेट में नहीं रह पाते कि भगवान रख रहे हैं इसी सिचुएशन में, तो इसी में खुश रह के करें भजन या जैसे भी वैसे ही करें। तो मतलब उस स्टेज में हम कैसे अपने आप को सिचुएट करें, मतलब कैसे परस्यू कर सकते हैं उस स्टेज तक पहुंचने के लिए, भगवान मारे या अपने से दूर भी रखें तो भी हम खुश रहें, तो कैसे रह सकते हैं वैसे स्टेज में? देखो ये 8वां श्लोक बहुत दूर जाकर के आता है और उसकी एक अलग ही अंडरस्टैंडिंग है। हम जिस अंडरस्टैंडिंग को लेकर के बैठे हैं वो वाले नहीं है, वो अलग अंडरस्टैंडिंग है। हमें 8वें श्लोक से पहले पहला वाला श्लोक पूछना चाहिए कि पहले वाले श्लोक में क्या बताया गया है और हमारी वो अंडरस्टैंडिंग मैच्योर हो पाई क्या, जिसमें कि चेतो दर्पण मार्जनम। अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि चित्त होता क्या है, तो जब यही नहीं पता तो फिर आगे 8वें श्लोक की अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर कैसे आएगी? और जो आ रखी है इसका मतलब गड़बड़ वाली आ रखी है। जैसे आ रखी क्या है कि भगवान जैसे रखे, ठीक है। हाँ, ये भक्तों के लिए विशेष रूप से ये श्लोक है। भगवान दो तरह से कार्य करते हैं, एक तो भगवान भक्त के लिए कार्य करते हैं और एक भगवान साधारण लोगों के लिए कार्य करते हैं। जैसे कोई कंपनी को बना दिया गया किसी ओनर के द्वारा, तो उस कंपनी का जो सिस्टम है अब उसमें वो दखलंदाजी नहीं देगा, उसके लिए उसने जनरल मैनेजर को नियुक्त कर दिया है। अब कौन व्यक्ति आ रहा है, कितना एबसेंटी मार रहा है, कितना काम कर रहा है, या काम ज्यादा कर रहा है, या काम कम कर रहा है, या काम चोरी कर रहा है, या आपस में अंदर कैसा व्यवहार कर रहा है, उसको क्या मेमो देना है, उसकी सैलरी बढ़ानी है, उसको प्रमोशन करना है या उसको डिमोशन करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारा का सारा जनरल मैनेजर देखता है। उसमें उस व्यक्ति का कोई रोल नहीं है। किसका? कंपनी ओनर का। तो कंपनी ओनर का कोई रोल नहीं, मतलब एक एंगल से तो कंपनी उसी की है, तो देखा जाए उसी की सिचुएशन के द्वारा सारे लोग रखे जा रहे हैं। लेकिन दूसरे एंगल से देखा जाए, क्योंकि उनका उस व्यक्ति के साथ कोई पर्सनल रिलेशन नहीं है,
उसका तो कंपनी के साथ रिलेशन है, तो कंपनी के लेवल पर उन चीजों को रखा जा रहा है और उसको कंपनी के अनुसार रिवार्ड दिया जाएगा, या कंपनी के अनुसार उसके जैसे बाईलॉज को कंपनी के फॉलो कर रहा है या बाईलॉज को तोड़ रहा है उसके अनुसार उसको पनिशमेंट दिया जाएगा और वो वैसे ही रहने के लिए बाध्य होगा। उसको कहते हैं भगवान की अध्यक्षता वाला जो संसार है, जिसमें भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति को जनरल मैनेजर बना दिया गया और वो प्रकृति उसको जिस हालत में रखती है उसको उस तरह से रहते हुए अपने जीवन को जीना होता है, विवश होकर के जिए या प्रसन्नता से जिए उसको उस प्रकार से रहना होता है। उसमें भगवान का कोई रोल नहीं, उसमें तीन प्रकृति का अंतर्गत आता है वो, या तो असुरी प्रकृति आएगी या दैवी ये राक्षसी प्रकृति आएगी या मोहिनी प्रकृति आएगी। इससे परे है ऊपर का रोल जिसमें कि उसका उस कंपनी ओनर के साथ अपना पर्सनल रिलेशन है, अर्थात वो दैवी प्रकृति के अंतर्गत आ गया है। जब वो दैवी प्रकृति के अंतर्गत आ गया तब उसे लात मारा जाए तो वो प्रसन्न है, दैवी प्रकृति के अंतर्गत आ गया तब उसे प्रेम किया जाए तब भी प्रसन्न है। बोले वो एक अलग अवस्था है, राधा रानी वो वाली अवस्था का वर्णन कर रही है, महाप्रभु वो वाली अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। अभी हमें क्या चाहिए? बोले भगवान ने हमें नरक में डाल दिया तो बोले जैसे जैसे रखे वैसे ही ठीक है। बोले नहीं, भगवान ने हमें विषयों में डाल दिया तो हमारी गलती थोड़ी, बोले भगवान ही तो डालते। भगवान नहीं डालते, भगवान अपने भक्तों को कभी नहीं डालते, भगवान अपने भक्तों को सदा ही रक्षा करते हैं चाहे कोई व्यक्ति किसी भी स्तर पर रहे। लेकिन भक्त इतना समर्पित होता है कि आप अगर मेरे को ऐसी सिचुएशन में भी डाल दोगे तो भी बोले मैं कोई चिंता नहीं करूंगा, जैसे प्रहलाद महाराज उनको कैसी सिचुएशन में डाला गया, लेकिन वो शुरू से ही भक्त थे, संसारी क्रियाओं में मन लगा करके नहीं कार्य करते थे। स्कूल जा रहे हैं लेकिन उनका स्कूल जाना ऐसा नहीं भगवान ने डाल दिया तो मेरे को पढ़ना ही पड़ेगा, बोले नहीं मैं पढ़ूंगा नहीं जा रहा हूँ इसलिए जा रहा हूँ, बोले इसमें भी प्रचार का मौका ढूंढ रहे हैं, प्रचार करने के लिए जा रहे हैं। तो है वो परम भक्त, तो हम पहले परम भक्त बन जाए, ऐसे भक्त बन जाए जो चेतो दर्पण मार्जन से फिर आगे वाले श्लोक पे चले जाए, नाम नाम कारी को समझ लें, फिर उसके बाद और आगे वाले बन जाए तृणादपि सुनी चेन समझ लें। अभी तो तृणादपि जब समझ में नहीं आया, वो जीवन में ही नहीं आया, तो वो वाले श्लोक की महिमा कैसे समझ में आएगी? आश्लश्य पादरताम पे श्लोक नहीं आ सकती, और दिल्ली दूर है। अभी हम मोहिनी प्रकृति के अंतर्गत है, इस प्रकृति से बाहर निकल के पहले हमें भगवान के साथ नित्य संबंध को जागृत करना है, जिसे हम भूल करके बैठे हुए, समझ आया? ये प्रभु जी, जी करना पड़ेगा। प्रभु जी, थैंक यू अरे प्रभु जी, हरे अरे चलो, धन्यवाद सभी भक्तों का धैर्य पूर्वक श्रवण करने के लिए। हरे कृष्णा, प्रणाम सभी को। वांछा कल कुदृश्य कृपा सिंधु पतिता नाम पावन भयो वैष्णव भयो नमो। वैष्णव ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय आप सब भक्तों की।